आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए दोस्तों, तो बनाते हैं मदर टेरेसा जी का सुंदर सा आसान सा ड्राइंग। कैसे बनाएंगे, देखिए ए वाई और सिक्स का शेप हम यूज़ करना है, इसी से हम आसानी से उनका ड्राइंग बनाने वाले हैं। देखिए पहले हम ए ले लेंगे, बस ए को हमें इस तरह से निकालना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से हमने ए का शेप ड्रॉ करना है। देखिए गोलाकार सा बिल्कुल बलून जैसा हमें ये निकालना है, इस तरह से, जिसका नीचे का भाग छोटा ऊपर का बड़ा होना चाहिए। अब देखिए जो वाई का शेप है वो हम लेंगे, तो उनके चेहरे का नीचे का भाग बन जाएगा। देखिए उनकी दाढ़ी वगैरह, देखिए यहाँ से इस तरह से हमें वाई का शेप थोड़ा सा गोलाकार आकार में निकालना है। देखिए वाई भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम एक लाइन डाल देंगे इस तरह से, और ये गोलाकार आकार नीचे भी दोहराएंगे तो उनकी कॉलर बन जाएगी। अब यहाँ से हम उनका कंधा निकालेंगे इस तरह से, बहुत ही आसान सा ड्राइंग है। अब जो उन्होंने सिर पर दुपट्टा वगैरह बांधा हुआ होता है वो हम थोड़ा इस तरह से निकालेंगे, थोड़ा पीछे भी आया और इधर का थोड़ा सामने आया हुआ हम दिखाएंगे। देखिए इस तरह से इधर वाला भी जो कपड़ा है वो हम निकालेंगे बिल्कुल आसानी से। अब देखिए उनके सिर पर जो उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ होता है उस पर कुछ ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स भी थी। देखिए इस तरह से हम वो लाइंस ड्रॉ करेंगे। देखिए नीचे वाली बड़ी और ऊपर की छोटी छोटी लाइंस, इसे हम झटपट से ब्लैक कलर से ब्लैक कर लेंगे। देखिए आपको ये ड्राइंग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ मुझे आपसे मिलने का मौका मिले। देखिए तो इस तरह से हमने वो पूरा कलर कर लिया। अब ऊपर की भी थोड़ी सी लाइन हम बोल्ड कर देंगे, देखिए इस तरह से। अब जो पीछे कपड़ा था उनके सिर के पीछे, उस पर भी स्ट्राइप थी तो इस तरह से हम वो भी ब्लैक कर देंगे। देखिए बहुत ही आसान सा ड्राइंग है, सिंपल सा। अब इधर वाला जो है थोड़ा घुमावदार कपड़ा है, उस पर कुछ सिलवटे वगैरह पड़ी है तो ये स्ट्राइप भी थोड़ी सी घुमावदार ही होंगी। देखिए इस तरह से हमने इसको भी ब्लैक कर दिया, जो डिज़ाइन था उनके कपड़ों पर। देखिए बहुत ही आसान सा ड्राइंग है, यहाँ पर भी कुछ ऊपर से लाइंस वगैरह, बहुत ही आसान सा प्यारा सा ये मदर टेरेसा जी का ड्राइंग है। आप एक दो बार इसे निकाल के देखिएगा तो आपको ये याद रहेगा हमेशा के लिए। देखिए अब हम सिक्स का यूज़ करेंगे, कहाँ पे, उनकी आँखों के लिए। देखिए सिक्स को हम ऐसा लिटा देंगे, तिरछा निकालेंगे तो उनकी दोनों आँखें बन जाएगी। देखिए बस हमें अंदर का हिस्सा थोड़ा ब्लैक करना है और थोड़ा वाइट छोड़ना है ताकि उनकी आँखें सुंदर दिखे। अब कुछ लाइंस वगैरह हम इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि उनकी आँखें पूरी बन सके। देखिए इस तरह से, अब वो थोड़ी बुज़ुर्ग थी तो सिलवटें वगैरह भी उनके चेहरे पर बहुत सी थी। देखिए इस तरह से हम उनके आईब्रोज भी निकालेंगे और थोड़ी सी सिलवटें भी निकालेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से ये कुछ लाइंस वगैरह हम ड्रॉ कर लेंगे, उनके आँखों के आजू बाजू ये कुछ थोड़ी सी झुर्रियाँ वगैरह भी थी, वो बुज़ुर्ग थी ना। देखिए अब यहाँ पर हम नीचे उनका नाक निकालेंगे, देखिए बहुत ही आसान सा ड्राइंग है। देखिए उनकी नाक भी हो गई, यहाँ पर कुछ लाइंस वगैरह। देखिए अब उनका माउथ निकालेंगे, देखिए इस तरह से, बहुत ही आसान सा तरीका है। अब कुछ थोड़ी सी हम झुर्रियाँ वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा नहीं तो ड्राइंग हमारा अच्छा नहीं दिखेगा। ज़रूर वो बुज़ुर्ग थी, पर बहुत ज़्यादा भी आप झुर्रियाँ ड्राइंग में मत दिखाइएगा, उससे ड्राइंग हमारा ख़राब दिखेगा। देखिए इस तरह से जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर ही हम झुर्रिया दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह से। तो बहुत ही सुंदर सा ये हमारा मदर टेरेसा जी का ड्राइंग बन गया है। देखिए इस तरह से आप कुछ कपड़ों पर सिलवटी भी ड्रॉ कर सकते हैं। कितना प्यारा सा सुंदर सा हमारा ए वाई सिक्स से मदर टेरेसा जी का ड्राइंग बन गया, तो आप भी बनाकर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।